बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम आज करेंगे यूनिट 7 के MCQs। तो प्यारे बच्चों, इन MCQs के साथ साथ हमें 3 सवालात के जवाब जो हैं वो और भी प्रिपेयर करने चाहिए। वो सवालात क्या हैं, कभी आपने सोचा है कि जिस जो आप नेम पे इस्तेमाल करते हो वो किसने अता की हैं? तो इस दुनिया के बाद पहला मंजिल जो है हमारी, उसमें हमारे से सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है। और आपको पता है, जब बंदा अकेला होता है तो उसे वही चीज़ें याद रहती हैं जो उसने ज़िंदगी में किया होगा। फिर पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन है, क्योंकि डर और खौफ में, अकेले अंधेरे में हो सकता है हमें उस शख्सियत याद आए जिससे हमारे ईमान के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। फिर पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, हमने ज़िंदगी में क्या सच का रास्ता इख्तियार किया। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब के लिए हमें कुरान से रजू करना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, लेकिन हम तो बग़ैर सोचे समझे कुरान को पढ़ने के आदी हैं। तो कुरान मजीद की तलावत भी करें, लेकिन उसके ऊपर तदब्बर करें, ईमान लाएँ, समझें और अमल करें, और सच का रास्ता इख्तियार करें, ताकि हमारे ये तीनों सवाल आसानी हों। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड जो है वो ठोस चीज़ों को कहते हैं, लिक्विड माया को, गैस हवा वगैरह को, और प्लाज्मा जो है वो स्पेशल स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनमें वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम, लेकिन वो मूव नहीं करते। तो इसलिए हम इस आंसर जो है हमारा सॉलिड है कि इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल डोंट लीव देयर पोजीशन। विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन, कॉपर, मर्करी, एल्यूमिनियम और लेड। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट, इट इज़ मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी किसी चीज़ की वो मकदार जो किसी ख़ास रकबा में समाए उस चीज़ की कसाफत कहलाती है। तो अगर हम इन चारों जो सब्सटेंसेस हैं इनकी हम डेंसिटी देखें, तो मरकरी की 13.6 है, लेड की 11.3, कॉपर की 8.9 और एल्यूमिनियम की सबसे कम है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें से सबसे लाइटर जो है वो एल्यूमिनियम है, क्योंकि उसकी इकाई में सबसे कम मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, विच इज़ इक्वल टू 10^4 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1। और इसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो पास्कल है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके लिए ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो 1 है, तो 10 टाइम्स मरकरी जो है वाटर से हैवियर है, तो हमें 11 मीटर कम से कम जो है ना वो ट्यूब की लेंथ चाहिए होगी टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू आर्शमीदस, अप थर्स्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड और नन ऑफ दीज। हम पहले डिटेल में कर चुके हैं कि आर्शमीदस के असूल के मुताबिक जब किसी जिस्म को माया में डुबो दिया जाए तो उस जिस्म पर उछाल की कुव्वत अमल करेगी जो उसके वजन के बराबर, मुसाविल हुजम माया के वजन के बराबर होगी। तो उसके हिसाब से ये बनता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो हम ए ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ, हुक्स लॉ, आर्शमीदस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पास्कल लॉ के मुताबिक प्रेशर अप्लाइड ऑन 1 पॉइंट ऑफ लिक्विड ट्रांसमिट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये लिक्विड में प्रेशर के बारे में पास्कल लॉ है, इसका डेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हमने हुक्स लॉ भी पढ़ा है कि हुक्स लॉ
इलास्टिसिटी के बारे में बात करता है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेन, और आर्शमिदस जो है उसके प्रिंसिपल के मुताबिक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी में मालूम कर सकते हैं, और फ्लोटेशन जो है उसमें शिप्स और जो भी चीज़ें पानी में तैरती हैं उससे मुतल्लिक डील करता है। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्शमिदस प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेन बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो हमने ये पढ़ा था कि हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आज हमने चैप्टर 7 के जो हैं यूनिट 7 के एमसीक्यू किए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।